हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो आज जो है मैं खेलने जा रहा हूँ कार फॉर सेल। तो इसमें जो है मेरे को एक कार खरीदनी पड़ती है, वैसे वो विलेज से खरीदनी पड़ती है, और एक कार ऑक्शन होता है उससे भी खरीदनी पड़ती है, और दूसरा दूसरा बोल रहा हूँ मतलब वो जो तीसरा है वो जो है उसका नाम मेरे को नहीं पता है। और ये रहा मेरा ऑफिस जिसमें जो है मैं कार डीलर का काम करता हूँ, और ये मैंने अपना नाम लिख रखा है इधर पर बैड एज डीलर। तो चलो ये तो मैंने इधर पे लिख रखा है। तो अभी जो है मेरे पास $17,000 है, तो उसको जो है मेरे को एक नई कार खरीदनी पड़ेगी। नई नहीं होती वैसे, पुरानी होती है, सेकंड हैंड होती है, उसको जो है मेरे को महंगे दाम में बेचना पड़ता है। तो अभी चलता हूँ मैं सीधा कार खरीदने के लिए। और ये रहा बस स्टेशन, और ये जो है PC का गेम है, लेकिन मैं फ़ोन पर भी खेल रहा हूँ, वो जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे खेलते हैं। अच्छा, कार मार्केट होता है तीसरा, तो मैंने आप लोगों को कार मार्केट के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन ये खुला क्यों नहीं है? अच्छा, अभी ऑडिशन होने वाला है ना, ऑक्शन मतलब ऑडिशन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का ऑडिशन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्शन होने वाला है। इसमें जो है महंगी से महंगी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे इधर पे। अभी इधर पे से तो बुगाटी भी आई हुई है भाई, ये तो अपने एंड्रयू टेट की है ये। भाई साहब, ये तो भाई मैं खरीद नहीं सकता, क्योंकि अभी जो है मेरे पास $17,000 है, इतने कम रुपए हैं ना, वैंकर खरीद ही नहीं सकता मैं। तो अभी सीधा चलते हैं सीधा विलेज में, क्योंकि वहाँ पर जो है मेरे को सस्ते में डील मिल जाएगी। और ये आ गया मैं इधर विलेज में, और भाई आते ही सीधा भाई इतनी बेकार गाड़ी मिल गई ना, जिसे बेच बेच के मैंने भाई $17,000 कमाए हैं भाई। ये वैसे मैं अगर कोई नहीं मिले ना ये गाड़ी, तो मैं ख़रीद लूँगा। पता नहीं इसका नाम क्या है, तो एक बार इसका नाम देख लेते हैं। BVM है, E36। पता नहीं BVM की कौन सी गाड़ी होती है, BMW होगा क्या पता। अभी ये वाली कौन सी है, ये वाली लग रही ना इसमें सबसे तगड़ी। अगर ये मेरे बजट में हुई ना, मैं तो इसे ख़रीद ही दूँगा। अभी यार 20,000 की है, भयंकर। अभी ये वाली लग रही है थोड़ी अच्छी, अगर इसने ये सस्ते में दे दी तो मैं यही खरीद लूँगा भाई। सस्ते में दे दे, 17 में दे दे बस। अब इसमें तो दिख भी नहीं रहा है, इधर से पीछे मुड़ के देखता हूँ भाई, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है। $21,000, इतने रुपए तो है नहीं भाई मेरे पास, रुपए के मतलब इतने डॉलर है नहीं, मैं रुपये बोल रहा हूँ। इसमें जो है करेंसी रुपये की नहीं है, डॉलर की है इसमें। तू कितने की दे रहा है? अब ये $29,000, शट यार। और अभी मैं बताऊं, अभी मेरे पास जो है $40,000 थे, और वो जो है मैंने $17,000 कैसे किए होंगे, वो जो है मैं अभी आगे पे बताता हूं आप लोगों को। क्योंकि मैंने जो है इसमें अपनी जो वॉल है, जो कार डीलर की वॉल है ना, वो जो है मैंने अपग्रेड कराई थी उसमें, तो उसी वजह से जो है मेरे भाई इतने पैसे कम हो गए। ये कार तो मैं ख़रीदना ही नहीं चाहता। और कार मार्केट इसलिए नहीं खुला हुआ है क्योंकि अभी जो है ऑडिशन बोल रहा, फिर ऑक्शन था उधर पर जो है, मैं इसलिए कार मार्केट नहीं खुलता है। तो अभी मेरे को ऑफिस में जाके सोना पड़ेगा, और अपना ऑफिस का दरवाज़ा ऐसे खुला रहता है ना, कोई चोरी नहीं करने आ सकता, नहीं तो फिर उसको इतना मारूंगा ना। तो चलो इधर पे जो है मॉर्निंग तो हो चुकी है, और इधर पे कोई कार आ रही है भाई, ये कार तो बढ़िया है। देखते हैं ये मेरे को कितने में देता है, और यहीं से मैं देख लेता हूँ कार मार्केट वैसे आई है, उधर पर जाके मैं एक कार तो ले ही लूँगा, और एक कार इतनी तगड़ी लूँगा ना वैंकर। कितने की दे रहा है ये? सीधा अंदर आ रहा है भाई, 15 की दे रहा है, खरीद ही लेता है वैसे, दिखने में भी थोड़ी बहुत अच्छी थी। तो अभी जो है मैंने ये कार तो खरीद लिया, इसे भाई देखने में भी अच्छी लगी, पता नहीं कितने स्पीड में चलती होगी, लेकिन ये सब तो मैंने देखना नहीं है। इसका इंजन बंद कर देते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं इस कार को, इस कार से मैं बाहर निकल गया हूँ। देखते हैं कितने की मतलब डिटेल्स देख लेते हैं सबसे पहले। 44% डैमेज हो रखी है ये, चलो कोई बात नहीं, इसे बेच देते हैं सीधा, और इसे मैं लगाता हूँ, देखता हूँ कितने $1,000 की लगाता हूँ। इधर पे जाता हूँ भाई, 15 की खरीदी थी ना मैंने, इसे मैं 20 की कर देता हूँ, 2999। चलो इतने ठीक हो गए, और इधर पे सेल का भी मैंने ऑन कर दिया है। अब भाई कस्टमर का वेट करना है, कोई डीलर इसे ख़रीदने आ जाए बस। अब एक और कार आ गई क्या, ये कौन सी कार है? अच्छा, ये बंदा फिर बेचने आ गया है। और इसके बाद अगर मेरे पास ठीक ठाक पैसे हो गए तो मैं एक स्पोर्ट्स कार तो खरीद ही लूँगा, उसको बाय करके बेच दूंगा भयंकर। और ये ख़रीदने आ गया भाई, कितने की दे रहा है ये? 21 की। चलो वैसे बेकार भी नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट करके देख लेते हैं, क्या पता है एक दो कस्टमर और आ जाएं तो वो इससे ज़्यादा पैसे दें तो मैं उन्हें ही बेच दूँगा, इसे तो बेचूँगा नहीं, इसे भगा दूँगा सीधा। तो चलो गाइस, अभी जो है इधर पे ये दो कस्टमर है कि तीन कस्टमर है, वैसे तो ये दो है, मैं इसको बेच ही देता हूँ 1-2-5। अभी तीन आ गए क्या इधर पे एक साथ? अभी मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, शर्ट इसको बेच देता हूँ, चल भाई निकल इधर से। $23,000 तो हो चुके हैं। फिर से चलता हूँ कार मार्केट में, क्या पता वहाँ पर कोई सस्ती से मिल जाए।
और ये आ गया मैं इधर पे कार मार्केट। कार मार्केट में कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ रहती हैं, लेकिन ये सस्ते में मिल जाती है। 22 की है, मेरे पास 23 है, मैं ये खरीदूँ क्या पता। और ये कितने की दे रहा है, ये तो महंगी देगा, 41 की लगी रहा था। रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ करके वैसे कुछ तो होगा नहीं इधर पे। और ये के तो 14 की दे रहा है, ये तो अभी खरीदी थी, बेकार सी थी। और ये वाली 43, भाई ये वाली खरीद रहा हूँ, ये वाली पता नहीं कौन सी कार होने वाली है। अच्छा BVM E60 है ये, चलो इसे मैंने खरीद लिया इधर पे। और $10,000 अभी बचे हुए हैं, ये भी 10 की है, ये भी खरीद लेता हूँ। दो ले जाता हूँ इस बार, वैसे इस बार पैसे हैं ही नहीं, नहीं तो मैं दो तो ले जा ही लेता। चलो इसमें बैठते हैं और इसे रख के आते हैं अपने, चलो अभी इसे रख के आते हैं अपने ऑफिस में। रख के आते नहीं है मतलब, इसे जो है सेल पे सीधा लगा लेते हैं। चलो ये बंद कर दिए। और ये कितने की दे रहा है बाहर वाला, भाई 19 की चाहिए ही नहीं है, जा तू रख भाई उसे। तो चलो अभी जो है मैंने इसको 25 में लगा दिया है, 25 नहीं है वैसे वो 26 है। लो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है वैसे ये। तो अभी जो मैं जस्ट अपने ऑफिस में आया ही था, और यहाँ पे देखो जी वैगन खड़ी हुई है भाई साहब। इसे भाई ये तो बहुत महंगी बेचेगा, इसका मतलब कितने की देगा ये भाई, $86,000। इतने तो मैं खरीदने नहीं वाला। और इधर पे डीलर में वैसे कोई नहीं आया है, तो इसे मैं कर देता हूँ $23,000 की कर देता हूँ, क्या पता है तब ये बिकी जाए। अच्छा मैंने सेल ऑन ही नहीं की थी, शिट भाई 25 की फिर लगानी पड़ेगी, मैंने सेल ऑन ही नहीं की है बैंकर। है ना 36 वाले को बेच ही देता हूँ, ये कितना 36, ये भी 36, दोनों एक ही दे रहे हैं तो भाई जा ले जा। तो चलो गाइस पहले पूरे विलेज में तो घूम के आ चुका हूँ भाई। ये मर्सिडीज़ की ये वाली कार मेरे को ही ठीक लगी, और ये ठीक डील भी दे ही रहा है, क्योंकि ये जो है ठीक डील भी दे ही रहा था, इसलिए जो है मैंने ये ख़रीद लिया। और अब इसको एंटर करूँ कि टो कर देता हूँ, टो कर देता हूँ, वैसे और कुछ तो काम होगा नहीं। एक बार आगे वाली भी देख लेता हूँ, नहीं तो फिर आगे वाली भी खरीद लूँगा। इस बार जो मैं दो कार सेल करने वाला हूँ इसमें, ये खरीद लेते हैं 27 की, और इसमें एंटर हो जाते हैं, क्योंकि इसे जो मैं टो नहीं कराने वाला हूँ, इसे लेके चलते हैं सीधा। तो चलो अभी इधर पे 12 भी बज चुके हैं, और अभी मेरे को और कार भी बेचनी है, दो कार लेके आया हूँ। इस बार देखते हैं, उस टाइम पे मेरे पास $61,000 थे ना, इस बार देखता हूँ 70,000 तो खरीद दूंगा। तो चलो अभी मिलता हूँ मैं आपको सीधा अपने ऑफिस में दोनों कार को बेचते हुए, क्योंकि मर्सिडीज जो है इधर पे डूब के आ गई थी। अब इसकी आवाज़ देखो कितनी बेकार सी लग रही, क्या पता ये खराब हो, क्या पता ये मर्सिडीज 6999 की लगा देता हूँ। इधर पे 27 की लाया था ना, इसे मैं लगा लेता हूँ 499 की। चलो इधर पे जो है दो कस्टमर और आ गए, अबे कितने कस्टमर आएंगे, 31 की दे रहा है ना ये, वैसे ये मैंने लगाई थी 40 की लगाई थी ना, ये भी 31 की दे रहा है, इनको देख के आते हैं। ये 50 की दे रहा है ना, बढ़िया तो ही ले ले इसे। चलो 51 तो हो चुके हैं, और इसे बेच देता हूँ मैं, ये वाली इसे बेचूँगी इस आगे वाले को, भाई इसे बेचता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा भी दे रहा है, चल ये भी खरीद ले भाई, 82,000 हो गए हैं। तो अभी जो है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोई सुपर कार खरीदूँगा, क्या पता मैकलारेन खरीद लूँ या तो कुछ और हो। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी इसी गेम की वीडियो में, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।